टीवी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 में घर घर में अपनी पहचान बना चुकी दिशा परमार अपने काम के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती है। दिशा परमार ने पिछले साल यानी जुलाई 2021 में सिंगर राहुल वैद्य के साथ शादी की थी। दोनों की शादी को भले ही 7 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये कपल विवाह के बाद की सभी रस्मों को निभाता हुआ नजर आता है। दरअसल इस साल की शुरुआत में दिशा परमार ने अपने ससुराल में महाराष्ट्रियन स्टाइल से अपनी पहली मकर संक्रांति मनाई थी, जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने हाल ही में शेयर की है। इस खास मौके के लिए ये जोड़ा न केवल बेहद ही खूबसूरत लिबाज में तैयार हुआ, बल्कि नई नवेली दुल्हन दिशा मांग में सिंदूर लगाए और काली साड़ी पहने हुए बेहद ही सुंदर लग रही थी। ससुराल वालों के साथ पहली मकर संक्रांति बनाने के लिए मिसिस वैद्या ने काले रंग की पैठनी साड़ी पहनी थी। साड़ी में चौड़े बॉर्डर वाला पल्ला भी देखा जा सकता है, जिसका कलर कोऑर्डिनेशन उन पर खूब जच रहा है। मोनोटोन कलर कॉम्बिनेशन वाली इस काली साड़ी के साथ दिशा परमार ने नारंगी कलर का ब्लाउज वेयर किया था, जो कि पूरे लुक में कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट क्रिएट करता नजर आया। उन्होंने गले में चौकर स्टाइल का नेकलेस और रानी हार डाला था, जिसके साथ मैचिंग इयररिंग्स, मांग टीका और हाथ में कंगन और वेस्ट एरिया पर कमर पट्टी कैरी की थी। इसके साथ ही उन्होंने गले में मंगलसूत्र कैरी किया था, जो कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। डार्क शेड वाले इन कपड़ों के साथ एक्ट्रेस ने पार्टी मेकअप किया था, जिसके साथ उन्होंने अपने बालों को खुला छोड़ा था। वहीं उन्होंने मांग में सिंदूर लगा रखा था, जिसके साथ पिंक लिप्स काफ़ी अच्छे से मैच हो रहे थे। एक तरफ जहां काली साड़ी पहने हुए दिशा हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, तो वहीं इस दौरान राहुल वैद्य ने भी अपनी वाइफ के लुक के साथ अपने कपड़ों को मैच किया था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि दोनों ने बड़े ही प्यार से शादी के बाद अपनी मकर संक्रांति की रस्म निभाई थी। यही नहीं, इस दौरान दिशा इतनी खुश थी कि उन्होंने अपने ससुराल वालों के सामने अपने हस्बैंड को किस करने में भी परहेज नहीं किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।